बिछा दी सी। आओ जनाबे वाला, वक्त बिल्कुल मुख्तसर है और एक और दो गुजारिशात भी हो गई। मेरिया मावा भैणा भी तशरीफ फरमाने, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हां नूं सलामत रखे। समीन मोहतरम, औरत दा माना है लिबास। की है लिबास? खुद भी लिबास है और अपने मर्द भी लिबास है, यानी पर्दा। लिबास जी पाए हैं साड़ी जिस्म तो पर्दा है, इसी नूं लिबास कहते हैं। अरे और ही है सतरे औरत कहते हैं बंदे, सतरे औरत यानी शर्मगाह वाली जगह अपनी छुपा लो। मर्द का सतरे औरत के है नाप तो लेके घुटने तक, और औरत का पूरा बोलो पूरा जिस्म। लेकिन बीमारी यही है ना जी, ऐसी मौलवी कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें दसा, मैं दस छोड़ सा मसला, मैं दस वजा, मैं भावे घंटा ही लगा रहा, मैं कैसे की कर सकता। मौलवी होंगे दस के टुट जाते जदों तक खुद घर बंदा पाबंद नहीं होएगा, नहीं कवेगा उदों तक ये मौलविया के मसाइल जितने मर्जी सख्त ही दसते रवाना असर नहीं होएगा। अज साड़ी धी, साड़ी भैन, साड़ी मां नंगे सर घर फिर रही है। अगर उसको बेटा वड्डा जड़ा है वो नहीं कहता, या वह जड़ा खामिद है वह उसको अगर नहीं कहता भाई सर नंगा ना छोड़, इस दुपट्टा कर, दुपट्टा लैके फिर वो बंदा खुद ही मुजरिम है ना। अगर किसी की बीवी इस तरह फिरती है तो खामिद को चाहिए है कि खबरदार शरीयत इस गल की इजाजत नहीं देती। अस मुस्तफा का कलमा पड़े आए लजपाल से ओने जरा गैरा दी बच्ची दे सर भी दुपट्टा रखिया, गैरा दी बच्ची ते दुपट्टा रखिया सर ते। जनाबे वाला आओ, मैं एक साहबा दी गल आप बाप दे सामने अर्ज करना चाहना कि एक काफरा लड़की हुजूर दी खिदमत लैके आए हजूर के साहबा कैद करके। लजपाल ने उसके सर से दुपट्टा रखवाया, रखवा के किया कि ऐ साहबा जाओ इसको छोड़ के आओ अपने कबीले इसको पुजा के आओ। जनाबे वाला साहबा पहले पीछे टुरे भाई कोई इस पर हमला ना कर दे, कोई और मार देगा तो फिर कवर के मुसलमाना मार देती है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप साड़ी अमान दे विच इसनू भेज रहे ने। जो तो पिछे टुरे ते वेखिया कि इहदे पैरां ते साड़ी नज़र जा रही है, आपने फरमाया बीबी तू साड़े पिछे पिछे आ जा, पिछे पिछे आ जा। जो तो पहुंची ते जाके मुस्तफा दे सहाबा दा किरदार वेखिया, जो घर दे दरवाजे दे विच वड़ी बाबे नूं मिली, भाइयां नूं मिली, उन्हां पुछिया कि दस तेरे नाल की बीती है। कहंदी है कि मेरी इज्जत दी हिफाजत ना इतनी मेरे बाबे कीती है ना मेरे भाइयां कीती है जितनी मेरी इज्जत दी हिफाजत हुजूर दे सहाबा ने कीती है। जे वो किरदार साढ़े अंदर आ जाए तो फिर न साढ़े घर के अंदर कोई औरतां तंग लिबास पावन गियां, और नहीं जनाबे वाला साढ़े कोई पुत्र साढ़े भाई तंग लिबास पा के फिरनगे। क़यामत दी निशानी दे विच निशानी है। अजबा ने फरमाया कि कुछ मर्द इहो जिहे होणगे कि जेड़े अपने आप नू इस तरह बनाणगे कि जिस तरह औरतां हुंदियां। बनाओ सिंगार, बनाओ सिंगार जिस तरह साढ़े मर्द कर रहे हैं अजकल नौजवान। कमीज इस किस्म की पानी जनाबे वाला दीवाल सुन्नत के मुताबिक अगर जुल्फत रखिया हो तो गल ही वखरी है ना जी। जुल्फा की निशानी बड़ी है, जे अगर फैशन के तौर पर रखे हो सिर ते दो टोपी ना लई होवे ते जनाबे वाला इत्थे इत्थे वाल जनाबे वाला पिछे वेखण वाला वेखे ते पता ही ना चले भी मर्द जा रहा या औरत जा रही है। और यो जे निजाम आ गए घंटा घंटा जनाबे वाला बदकिस्मी दिना मर्दा ते ही बन गया वो ब्यूटी पार्लर उससे जाते जनाबे वाला फैशन ही बनने इतने इस्लाम के नाल कोई तल्लक नहीं। कई औरतां यो जिया ने अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे दी मावां भैणां दी इज्जत सलामत रखे।
कि अगर उन्होंने किया भी जाए तो फिर भी वह जनाबे वाला राह रास्त नहीं आदियाँ। एक बाबा जी साढ़े इलाके के अंदर सोना पा के फिर रहे सन, पूछे बाबा जी मना है शरीयत जी? वो जी मना उसी लैके मैं रख वास्ते पाया होया, जे रख वास्ते इजाजत होवे तो जरूर दस ना छोड़न आके रख वास्ते पा लिया जे सोना। सोना औरत वास्ते है और औरत का बनाओ सिंगार सिर्फ और सिर्फ वो मर्द वास्ते।